हेलो फ्रेंड्स, जान यमन टर्की के फेमस एक्टर और मॉडल हैं। जान यमन ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। 23 साल की उम्र में अपनी लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो एक कारपोरेट लॉ फर्म में जॉब कर रहे थे, मगर अपनी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के कहने पर इनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ और उन्होंने एक्टिंग सीखी। 2014 में उन्हें फेमस सीरीज गुनूल इश्लेरिन में सपोर्टिंग रोल मिला और यहीं से इनके एक्टिंग करियर का आगाज हुआ। उन्होंने इसके बाद बेहतरीन टर्की सीरीज में काम किया और बेहतरीन अदाकारी की। आज की वीडियो में हम आपको जान यमन की बेहतरीन सीरीज के बारे में बताएंगे। कौन सी है ये सीरीज, इनकी स्टोरी क्या है और आप इन्हें कहाँ देख सकते हैं, चलें बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से दरखास्त है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। गुनूल इश्लेरिन, ये कहानी है तीन बहनों की जो खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, मगर आगे चलकर इनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दूसरे नंबर की बहन सादत पर यह इल्जाम लगता है कि इसने ज्वेलरी शोरूम से चोरी की है और इसे जेल हो जाती है। इसी दौरान इसकी बड़ी बहन सरबत को पता चलता है कि इसका शौहर इसे धोखा दे रहा है और इसका किसी और औरत के साथ अफेयर है। आगे इन तीनों बहनों की जिंदगियों में बदीर की एंट्री होती है, जो एक वेटर है, जो इन तीनों बहनों की जिंदगियों में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनकी मदद करता है। मगर इन सब की जिंदगियों में बहुत बड़ा राज है, क्या है ये जानने के लिए देखें सीरीज गुनूल इश्लेरिन यूट्यूब पर। अनादिना आशेरी मेरी लव स्टोरी, ये कहानी है यालीन और डेफने की, जिनकी पहली मुलाकात कार पार्किंग में होती है और ये डेफने की जॉब का पहला दिन भी है। कार पार्किंग में इनके दरमियान नोकझोंक होती है और जब डेफने को पता चलता है कि यालीन ही टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है तो वो गुस्से में अपनी जॉब के पहले ही दिन इस्तीफा दे देती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखें बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी सीरीज तेरी मेरी लव स्टोरी यूट्यूब पर। हांगे में सेफ में दी, ये कहानी है तारिक और इतर की, जो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इनको ये पता होता है कि इनके घर वाले इनके रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वो छुपकर शादी कर लेते हैं। क्योंकि इतर के फादर और तारिक की माँ की पुरानी दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। आगे क्या होगा जब इनको पता चलेगा कि इनके बच्चों ने शादी कर ली है, ये जानने के लिए देखें बेहतरीन लव कॉमेडी सीरीज हांगे में सेव में देख यूट्यूब पर। दुलूने फुलमून, फ्रेट एक बिजनेसमैन है जिसके मेंशन में नाजले कुक बनकर आती है। जब इनकी पहली मुलाकात होती है तो नाजले को लेकर फ्रेट को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नाजले इसकी जॉब छोड़ देती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखें फुलमून यूट्यूब पर। एरकेंजी कुश, एक फोटोग्राफर जान अपने फादर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी को संभालने आता है, ये जानने के लिए कि कौन वो शख्स है जो इनकी कंपनी के डिजाइन चुरा कर इनकी हरीफ कंपनीज को फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी कंपनी लॉस में जा रही है। इसी दौरान जान की मुलाकात कंपनी की एक नई एम्प्लॉय सनम से होती है और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। पर आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखें बेहतरीन लव कॉमेडी सीरीज यूट्यूब पर। बेयानिश मिस्टर रॉन्ग, एक लड़की इसकी अपनी जिंदगी में से बहुत परेशान होती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड इसे धोखा देता है और इसकी जॉब भी चली जाती है। आगे चलकर जब ये बात बार के एक मालिक उसगुर को पता चलती है, जो एक प्ले बॉय है, वो इसकी की मदद करता है इसके लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखें सीरीज मिस्टर रॉन्ग यूट्यूब पर। वायलेट लाइक द सी, देमिर एक ऑफिसर है जो क्राइम केसेस हल करता है। आगे चलकर इसकी मुलाकात एक क्राइम जर्नलिस्ट से होती है जिसका नाम वायोला है। वो अपने फादर की तलाश में इस शहर में आती है और ये दोनों साथ में क्राइम केसेस को सॉल्व करने लगते हैं, जहां इन दोनों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। पर आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखें वायलेट लाइक बसी अमेजोन मिनी टीवी पर। सन दुकान, ये कहानी है समंदरी डाकू की, जिसके लोगों को ब्रिटिश आर्मी हमला करके इनके कबीलों और जहाजों पर कब्जा कर लेती है। इसी सब के दौरान एक समंदरी डाकू सन दुकान, जो अपने लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी से लड़ता है, पर क्या ये जंग इतनी आसान होगी ये जानने के लिए देखें जान यमन का अपकमिंग ड्रामा सन दुकान। तो ये है जान यमन की बेहतरीन सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने ये सीरीज देखी है, आपकी फेवरेट कौन सीरीज कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाले दिनों में अपने पसंदीदा ड्रामों की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।